टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। जन जन के लोकप्रिय भाजपा नेता और शिक्षक एमएलसी पद के उम्मीदवार श्री चंद शर्मा ने कुछ इस अंदाज में दी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं शुभम शर्मा, आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, गौतम बुद्ध नगर के लोकप्रिय नेता व भारतीय जनता पार्टी की ओर से एमएलसी पद के उम्मीदवार श्री चंद शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिन है, तो इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़े हर्ष और सौभाग्य का विषय है, हमारे देश के अप्रतिम प्रधानमंत्री जिन्होंने देश का नाम दुनिया में रोशन किया है और देश को चारों ओर से मजबूत करने का काम किया है, हर प्रकार से देश के नागरिकों को सम्मान से जीने की स्थिति दी है, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिन है। मैं इस उपलक्ष्य पर सारे देशवासियों को, अपनी पार्टी के भी सभी कार्यकर्ताओं को, समस्त नागरिकों को, सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि वो मोदी जी को दीर्घायु करें, स्वस्थ रखें, ताकि वो इसी प्रकार देश की सेवा, दुनिया की सेवा करते रहें। और एक ऐसे काम उन्होंने किए हैं जो बहुत वर्षों से लंबित थे और लोग राजनीतिक कारणों से उन विषयों को छेड़ते नहीं थे, जो देश हित में और समाज हित में हैं उन सब विषयों को उन्होंने लिया है। बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति हैं, उनको भगवान दीर्घायु करें, स्वस्थ करें, ये मैं उनके इस अवसर पर कामना करता हूँ। और इसी के साथ आपके चैनल और आप सबको भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, आपका चैनल दैनंदिन आगे बढ़ता रहे और समाज के हित के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निडर भाव से, निष्पक्ष भाव से अपनी भूमिका निभाता रहे, ऐसी मैं आप सबके प्रति भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही जैसा कि आपने बताया, मैं यहां गौतम बुद्ध नगर भाजपा का जिलाध्यक्ष रहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिला प्रचार प्रमुख भी रहा, पश्चिम उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा भाजपा का। अब भाजपा की ओर से प्रशिक्षण प्रकल्प हमारा है प्रदेश का, उसका प्रदेश संयोजक और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य इस नाते मेरे पर जिम्मेदारी है और उसके साथ ही पार्टी ने मुझे काम दिया पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो हमारी सीट है मेरठ सहारनपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, इस पर शिक्षक एमएलसी का चुनाव लड़ने का काम दिया है। उस काम को हम लोग भली भांति कर रहे हैं अपनी सारी टीम के साथ, हम लोगों ने अधिकांश वोट बनवाए हैं और जल्द ही चुनाव की संभावना है, उसमें हम सब लोग, सारी टीम बड़े अच्छे ढंग से लगी हुई है। और शिक्षा क्षेत्र में आप जानते ही हैं कि हमारी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की पहली प्राथमिकता है शिक्षा। शिक्षा के लिए उन्होंने कि विश्व स्तरीय शिक्षा हमारे देश में उपलब्ध हो, इसीलिए उन्होंने 1,00,000 करोड़ रुपए का तो बजट अलग से अलॉट किया था और विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान हमारे देश में खुलें, इसके लिए उन्होंने व्यवस्था बनाई। हमारे देश के भी अच्छे शिक्षण संस्थान दुनिया में जाकर कैंपस खोल सकें, उसकी उन्होंने व्यवस्था बनाई है। और जो नई शिक्षा नीति वो लाए हैं कि हमारे देश का नागरिक, हमारे देश के बच्चे विश्व स्तरीय ज्ञान प्राप्त करें और विश्व की चुनौतियों के अनुसार अपने आप को आने वाले कल के लिए तैयार करें, उसी विषय में अपना भी योगदान हो और हमारे क्षेत्र के शिक्षकों के प्रेम और आशीर्वाद के कारण हम भी आगे जा सकेंगे और उसके बाद हम इनका उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करेंगे कि शिक्षा का क्षेत्र धन ठीक ठाक से फलीभूत हो, शिक्षकों की समस्याएं हल हों। शिक्षकों के सहयोग के बिना भी उस उद्देश्य की पूर्ति संभव नहीं है, तो शिक्षकों के भी हितों का ध्यान रखना, छात्रों के हितों का ध्यान रखना, अभिभावकों के हितों का ध्यान रखना, वो मेरे कार्य योजना में रहेगा। उन सब के आशीर्वाद के बाद जैसे मुझे अवसर प्राप्त होगा और मैं ये चुनाव जीतने के बाद सदन में जाऊंगा, तो शिक्षकों की समस्याओं से भली भांति अवगत हूँ, उन सब समस्याओं को हल कराने का हम लोग काम करेंगे। फिर मैं पुनः आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में समस्त देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अपनी बधाई देता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सर, टाइम 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप जनता से अपने क्षेत्र की कोई अपील करना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र की जनता के हितों के प्रति आप भी सजग रहें, सावधान रहें और हमारे क्षेत्र की जनता कहीं कोई कोताही ना छोड़े। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और योगी जी देश के हितों के लिए काम कर रहे हैं, किसी के बहकावे में, भटकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग इस समय गीदड़ होते हुए शेर की खाल पहनकर और जातिवाद के और अन्य प्रकार के जहर बोने का काम कर रहे हैं, उनके किसी भ्रमजाल में ना आए
उनके शासनकाल को ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, उनके शासनकाल के दौर को याद करें, उनके दौर में किस तरह से गुंडई और बदमाशी हत्याओं का दौर था, किस तरह से योगी जी ने उस पर लगाम कसी है, कानून व्यवस्था कायम की है, उसको हम लोग ध्यान रखें। किसी के भटकावे मारने की आवश्यकता नहीं है, समाज के हित के लिए हम सब लोग सजग रहें, सजग प्रहरी के रूप में काम करें, यही मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से MLC पद के उम्मीदवार सृजन शर्मा जी, जिनकी जनता से यह अपील है कि किसी के बहकावे में ना आएं और अपना मत जो भी दें वो सोच समझकर सही व्यक्ति को दें। नमस्कार। गौतम बुद्ध नगर के दादरी विधानसभा के भाजपा विधायक और जन जन के लोकप्रिय नेता मास्टर तेजपाल सिंह नागर ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुछ इस तरह दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है और उसके साथ में हमारे दादरी विधानसभा के जो विधायक हैं तेजपाल नागर, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। लोकप्रिय विधायक हैं और जनता की सेवा भी करते हैं। इनसे बातचीत करेंगे हम लोग Time 24 न्यूज़ के साथ में। पहले तो आपका स्वागत है Time 24 न्यूज़ पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, कल 70वां जन्मदिन है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, उस पर क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का 17 तारीख में 70वां जन्मदिन है। माननीय जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, सेवा भाव में लगे हुए हैं, लेकिन ये राजनीति में आने से पहले ही जब ये पढ़ते थे अपने स्कूल में, तो इनके एक दोस्त के पास ना किताब थी, ना ड्रेस थी और अन्य पैसे थे पुस्तक खरीदने के लिए, किताबों खरीदने के लिए। तो इन्होंने नुक्कड़ नाटक में भाग लेकर के जो उससे पैसा अपने दोस्त को दिए, सेवा भाव इनका बचपन से ही शौक रहा है। मतलब मैं जिस तरीके से मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मैं बता रहा हूँ उस बात पर, हाँ मतलब नेता नहीं थे उस समय पर भी इनके ये भाव रहे थे, तो ये भाव रहे थे, तो इसलिए हमारी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने तय किया है कि जो प्रधानमंत्री जी का 70वां जन्मदिन है 17 तारीख में, हम एक सप्ताह सेवा सप्ताह बनाएंगे। और माननीय जेपी नड्डा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय जेपी नड्डा जी, वो 14 तारीख में मंगरौली छपरौली आए और उस सेवा सप्ताह का उद्घाटन करने गए। उन्होंने वृक्ष लगाए, 70 वृक्ष लगाए, उन्होंने 70वां जन्मदिन था, उन्होंने 70 गरीबों को, जो गरीब लोग थे जो मलिन बस्ती में रहते हैं, उनको फल वितरित किए। तो हमने एक सप्ताह तक 14 तारीख से लेकर के 20 तक हमारी पार्टी ने के निर्देश हैं, सभी कार्यकर्ता, सभी जिला कमेटियां, सभी जनप्रतिनिधि उस सेवा सप्ताह मनाएंगे, 7 दिन सेवा का काम करेंगे। जैसे मैं बताऊं, 14 तारीख में हमारी पार्टी ने एक सेवा सप्ताह में ब्लड डोनेशन और प्लाज्मा डोनेशन का काम किया और ये 70 लोगों ने किया, क्योंकि 70वां जन्मदिन है। 15 तारीख में मैं भी मुख्य अतिथि था हापुड़ में, पिलखवा में, वहाँ पर चश्मे बांटे और गरीब लोगों को, जो दलित लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो पिछले पायदान पर रहने वाले लोग हैं, उनको 70 लोगों को हमने चश्मे बांटे और ये हर जिले में बंट रहे हैं, पूरे भारत में बंट रहे हैं। और इसके अलावा आज जो है 70 जगह हमने चयनित की हैं अपने जनपद में और 70 जगह सफाई अभियान हुआ। मैंने सफाई अभियान का शुभारंभ मिहिरभोज इंटर कॉलेज दादरी से किया और जो सरकारी अस्पताल दादरी में उसमें किया, जिसमें जिला अध्यक्ष भी शामिल थे। तो इस तरह से 70 जगह चयनित की गई, 70 जगह हो रहा है। आज तारीख होगी 16 और 17 में हम जो है 70 दिव्यांगों को उनको उपकरण भेंट करेंगे। कल वो प्रोग्राम भी मिहिरभोज इंटर कॉलेज दादरी में है। इसी तरह से 20 तारीख तक लगातार एक दिन वृक्ष लगाएंगे, 70 वृक्ष लगाएंगे। इस तरह से 20 तारीख तक लगातार सेवा सप्ताह के प्रोग्राम रहेंगे और हमारे क्षेत्र की जनता माननीय मोदी जी के 70वें जन्मदिन पर मैं अपनी तरफ से, क्षेत्र की जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री की स्वस्थ रहें, लंबी उम्र हो और इसी तरह से देश की सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। तो हमारे साथ में ये दादरी विधानसभा के विधायक तेजपाल नागर मौजूद थे, जिन्होंने बताया
कि 70 साल के मोदी जी हो गए हैं, तो जितने भी सारे काम हो रहे हैं, जो भी सहायता हो रही है, वो भी जो अंक है वो 70 ही निकल के आ रहा है, क्योंकि मोदी जी 70 साल के हो गए हैं, तो ब्लड डोनेट भी किया, वो भी 70 लोगों ने किया, तो कुल मिलाकर जो 70 साल की उम्र मोदी जी की हो गई है, इसी से इस समय यहाँ पे बीजेपी की पार्टी द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं प्रणव भारद्वाज, ग्रेटर नोएडा, टाइम 24 न्यूज़। युवा भाजपा मोर्चा के होनहार और लोकप्रिय नेता आदित्य शर्मा ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुछ इस तरह दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। हमारे यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्मदिवस पर सभी क्षेत्रवासियों, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी का 70वां जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें 7 दिनों तक हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, जिलाधिकारी, जिला पदाधिकारी, विधायक, जनप्रतिनिधि, सभी लोग सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं और सबको बहुत बहुत बधाई। सिकंदराबाद के लोकप्रिय डॉक्टर और यशराज हॉस्पिटल के MD डॉक्टर नरेश शर्मा ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुछ इस तरह दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में भारतवर्ष दिन रात दिनों दिन तरक्की कर रहा है और विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है, जो इस कोरोना महामारी से बहुत समर्थ के साथ लड़ रहे हैं, चीन को और पाकिस्तान को पहली बार ऐसे है कि वो बैकफुट पर हैं, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के 70वें जन्मदिवस के अवसर पर सभी भारतवासियों को मेरी तरफ से, यशराज हॉस्पिटल की परिवार की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद, तो प्रधानमंत्री को भी शुभकामनाएं कि उनके नेतृत्व में हमारा देश ऐसे ही निरंतर प्रगति करता रहे। मैं सभी क्षेत्रवासियों से, सभी देशवासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि इस महामारी को थोड़ा गंभीरतापूर्वक लें, सीरियसली लें, अपने पूरे बचाव के सारे साधन अपनाते रहें, कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे कि ये महामारी, जो ऑलरेडी एक महामारी है ही, ये महामारी हमारी जान के लिए आगे आने वाला समय और ख़तरनाक भी हो सकता है, तो बचाव के सारे साधन अपनाएं जिससे ये हमारी जान के लिए खतरा ना पैदा करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।